हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, मैंने प्लेट में 2 चम्मच दही ली थी और आधा परांठा, मैंने दाल का परांठा था ये खाने के लिए निकाला था कि मैं खाऊंगी, लेकिन मेरा पेट ही नहीं भर रहा था इतने से परांठे में। मेरे को और भूख लग रही थी तो मैंने आधा परांठा और खा लिया था। तो कुल मिला के मैंने एक परांठा खाया था और दही खाई थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही खाया अन में मैंने सुबह से, ठीक है। और 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक एक परांठा, इतना भी बुरा नहीं है। तो ये विहान ने देखे खिलौने कर दिए थे। और ये देखिए, 30 मिनट अगर आप घर के काम करते हो नॉर्मल, जैसे अभी मैं रूटीन काम कर रही हूँ, तो उसमें 105 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। तो मैंने उस हिसाब से अपना 20 मिनट में मेरा ये सारा काम हो गया था। तो देखिए, मेरी 70 कैलोरीज मैंने लूज कर ली है। तो हम लेडीज क्या करते हैं, घर के काम करते हैं तो उसमें भी बहुत कैलोरीज लूज होती है। और आज जैसे मैं एक एक मिनट का हिसाब रख रही हूँ ना, कि अच्छा मैं बर्तन धो रही हूँ तो उसमें इतना मैंने कैलोरीज लूज कर ली है, 25 मिनट मैंने बर्तन धोए, आधा घंटा मैंने ये काम किया, तो उस हिसाब से मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, बहुत ज्यादा। मीन्स मैं बैठती कहाँ हूँ, मतलब मैं ना लगी रहती हूँ पूरा दिन, अब कभी ये काम कभी वो काम। इसीलिए तो आप सोचो, आप भी, मेरे को कल कमेंट आया था किसी का कि तुम जिस हिसाब से खाना खाती हो ना, तुम्हारी डाइट है जो वीडियो में देखने को मिलती है, उस हिसाब से तो तुम 2 साल में 105 किलो की हो जाओगी। कमाल की बात यह है कि मेरा वजन बढ़ नहीं रहा, देखो ना उतने पर ही है, कम भी नहीं हो रहा, बढ़ भी नहीं रहा। इसका कारण ये है कि मेरी ना बॉडी, जितना मैं खा रही हूँ ना, वो खाया पिया मेरे शरीर पर लग रहा है, और वो ना वजन फैट नहीं बन रहा, क्योंकि मैं, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप देखोगे ना कि मैं कितना फुर्तीली फुर्ती है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा एक्टिव हूं मैं, बहुत ज्यादा, है ना। तो यही बात हो जाती है। तो ये देखिए, मैं फटाफट अब लगे हाथों ना ये काम भी निपटा रही थी। और ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही रहता है पूरा दिन, कि कभी सामान समेटती हूँ, कभी सामान लगाती हूँ। कल पता है क्या हुआ, रात को ना मैं विहान को, मैंने कहीं, काफ़ी दिन हो गए, 20 दिन से ना घर पे ही बैठे हैं, ना कहीं जाते ना बाहर निकलते, तो मुझे लगा 10 मिनट थोड़ा सा विहान को घुमा लाती हूँ। तो मैं घर में ताला लगा के निकली थी, तभी पुलिस वाले सर आए हमारे घर पे। एक्चुअली हमारे ना, मतलब पड़ोस में जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ पे एक पुलिस वाले सर हैं, वो रहते थे। तो ना वो मेरी वीडियोस शुरू से देखते हैं, मतलब उनको 2 साल हो गए, वो मेरी टोटल, मतलब मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो वो कभी कभी ना, जैसे घूमते फिरते हैं ना इधर, जैसे सैर करने आते हैं, साइकिलिंग करते हैं वो, तो कभी कभी पूछ जाते हैं, मेरी मम्मी से भी मिलते हैं और कहते हैं कि कल को कोई भी तुम्हें दिक्कत हो ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मतलब कभी हो जाता है, देखो मैं अकेली रहती हूँ, है ना, बच्चे के साथ, तो थोड़ा सा होता है ना कि अकेली लड़की को कोई परेशान ना करे। तो वो सर अच्छे हैं, पुलिस में हैं, वो ना रिटायर अभी हुए हैं, और रिटायर के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग हो गई, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं पुलिस के, मतलब अच्छी, जो SC वगैरह जो बड़ी पोस्ट होती है ना, उससे रिटायर हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी जरूरी हो पुलिस की, मतलब मदद लेनी हो, क्योंकि उनकी तो बहुत अप्रोच है, और कुछ भी, मतलब जानकारी भी लेनी हो तो मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि वो मेरी सब्सक्राइबर है, आप समझ रहे हो ना, वो मुझे तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो लोग मेरे को वीडियो के थ्रू जानते हैं वो तो जानते ही हैं निधि कैसी है ना। तो ये बात हो जाती है। तो कई बार मैं परेशान होती हूँ ना वीडियोज़ में, बोलती रहती हूँ कि मेरे को कोई से परेशान कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मेरे ऊपर गंदा वीडियो बना रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, इस तरीके की मेरी वीडियो आती है ना, तो तब वो मेरे को देखते हैं ना मैं परेशान हूँ, तो वो बोल देते हैं कि कभी करवाना हो, कभी कोई FIR कटवानी हो पुलिस में जाके, ऐसा कुछ करना हो तो हमें बता देना, हम पूरा अच्छे से आपको गाइड कर देंगे, परेशान मत होना आप। कॉलोनी में कोई परेशान करे तब भी बता देना। मैंने कहा नहीं, कॉलोनी में तो कोई परेशान नहीं करता, सारा पड़ोस हमारा अच्छा है। तो ये देखो, विहान की सारी टॉफियां मैंने उठा के अच्छे से रख दी। थोड़ा सा बेड को ना मैं पूरा बार बार बेडशीट निकाल के मैं नहीं झाड़ती, मैं क्या करती हूँ ऊपर ऊपर से ना हल्की हल्की सी ऐसे ही, जो थोड़ा बहुत कुछ गिरा होता है ना ऐसे ही साफ कर लेती हूँ, ऐसे ही पूरा बेड साफ हो जाता है। अब मैं पीऊंगी एक गिलास पानी। मेरे को, आपको पता है कि पानी पीने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, और अब मैं हैबिट पता कैसे डाल रही हूँ, मैंने बस ये सोच लिया हर 1 घंटे बाद मुझे पानी पीना है। मुझे अपने आप थोड़ा थोड़ा ना सुबह से प्यास अब लगने लग गई है। मैंने ना ये दोनों कवर निकाले हैं, मुझे लग रहा है तकिए बड़े हैं हमारे, ये कवर छोटे हैं, एकदम सही आ गए। ये पौधे पापा जी ने कटिंग कर दिए कैंची से, इसमें पीले पीले हो गए थे, एक ये वाला काट दिया, एक ये वाला, इतना छोटा छोटा सा हो गया एकदम ही, बाकी अब साफ सुथरा हो गया। टमाटर तोड़ लिए मम्मी, थोड़े अंदर पड़े पड़े हो जाएंगे लाल। हाँ लाल तो हो जाएंगे बाद में, 1-2 दिन में छांट लो। बढ़िया बढ़िया, शाम तक तोड़। मैं तो विहान से मिलने आई हूँ, ये देखिए विहान मम्मी के घर से हो गया है, इसको ले चलते हैं। हाँ आपके घर में आते ही सो जाता है डेली, नानी से चिपक के सो जाता है रोज, नानी के घर छोड़ के आती हूँ मैं अपने घर के काम कर लूँ, और पता चलेगा 10 मिनट बाद मम्मी बोलेगी सो गया ये, तो ले जा इसे ठीक कर लो बेटा।
पंखा चला देती हूँ। लो चादर ओढ़ लो। दरवाजा, हम गेट बंद करना भूल गई, पहले हम गेट बंद करते हैं। दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है। विहान जब जाग रहा हो ना, तब घर के काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं अगर रसोई अगर मैं साफ करने की सोच रही होती और विहान जाग रहा होता, पता है क्या हो रहा होता? सारे बर्तन बेड पे, कमरों में, इधर उधर, हर जगह, क्योंकि मम्मा के पीछे पीछे रहता है। फिर मैं कुछ काम छेड़ूंगी तो मेरे पीछे पीछे ये भी काम छेड़ता है, तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो अभी विहान सो रहा है तो फटाफट लगे हाथों में रसोई को पूरा बढ़िया अच्छे से सेट कर देती हूँ। मुझे ना घर का ना काम करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। मेरा ना आधी टेंशन दिमाग की कम हो जाती है जब मैं अपने किसी ना किसी रूटीन काम में लगी रहती हूँ। मैं ना अपनी ज़िंदगी को ना टाइम घंटों में, मिनटों में डिवाइड करके रखती हूँ। मैं बहुत पंचुअल हूँ बाय नेचर। जैसे अगर मैं 7 बजे उठती हूँ, आप एक बात सोच के देखिए, मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है ना, फिर मैं क्यों उठूँ रोज़ 7 बजे या 6:30 बजे। मैं एक टाइम मैंने सेट कर रखा है कि अगर मुझे सुबह 6:30 बजे उठना है तो उसी टाइम उठना है। मुझे तो कहीं ड्यूटी पर नहीं जाना, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ घर से। मेरा तो काम भी ऐसा है यूट्यूब का, चाहे मैं सुबह 9 बजे भी शुरू कर सकती हूँ, चाहे मैं रात को भी कर सकती हूँ, उसके बाद वीडियो बना के रख लूँ सुबह के लिए और आराम से सुबह 9 बजे उठूँ, है ना। और ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ होगा मेरे साथ कि मैंने कोई वीडियो पहले से बना के रख रखा होगा और मैं चाहूँ तो 10 बजे सो के उठूं, फिर भी मैं अपना एक ना टाइम टेबल मैं कभी भी ख़राब नहीं करती। हमेशा से मेरा एक रूटीन रहा है ज़िंदगी का कि टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। मेरे को ना शुरू से है ये चीज़ मेरे अंदर। तो सुबह अगर मेरे को 7 बजे उठ रही हूँ मैं सुबह, तो मैं सुबह 7 बजे ही उठूँगी, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, मेरे लिए दोनों दिन एक बराबर होता है। और रात को सोने का भी मेरा सेम टाइम होता है, जैसे ही घड़ी में 11:30 बज जाते हैं मैं लेट जाती हूँ लाइट बंद करके कि अब सोने का टाइम हो गया है, 10-15 मिनट में आँख लग जानी चाहिए, क्योंकि 7 घंटे की नींद हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल होना अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। आराम करना भी तभी अच्छा लगता है जब आप काम करते हो, जब आपकी शरीर थकता है ना, बॉडी में थकावट होती है, तो उसके बाद जब आप रेस्ट करोगे तो आपको वो रेस्ट अच्छा लगेगा। बिना काम के अगर आप बेड पे ही लेटे रहोगे पूरा दिन रात, तो आपका शरीर अपने आप दुखने लग जाएगा, है ना। आराम करने से भी शरीर दुखता है, कभी आप देखना ये चीज़, है ना। तो अभी देखिए मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थंबनेल टाइटल नहीं बना रही हूँ, मैं कब तक नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ना ज़िंदगी ना जब से मैं क्योंकि देखो इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता है कि जब आप थंबनेल टाइटल बनाते हो तो आपकी ज़िंदगी ना कहीं थंबनेल टाइटल बस इन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाती है, समझते हो आप। और अभी मेरा फोकस ना, मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो के, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। हो सकता है मैं 2 महीने बाद फिर से थंबनेल टाइटल बनाने लग जाऊँ, लेकिन अभी 2 महीने मेरे दिमाग को मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए है ना। थोड़ा मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना मेरे लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, अदरवाइज़ मैं कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ अपने ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये जो यूट्यूब के चक्कर में ना मेरी टेंशन का लेवल बहुत हाई रहता था कि थंबनेल क्या बनाए, टाइटल क्या बनाए, वीडियो की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, मतलब दिमाग ना आराम नहीं कर पाता था, बिल्कुल माइंड शांत नहीं होता था। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें अब छोड़ ही दी। मैं कहा नहीं, बस मेरे को अपनी हेल्थ देखनी है सबसे पहले। एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया पे काम करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, टेंशन तो होती ही है, कमेंट्स आते हैं, लोग कहीं आपको अच्छा बोलेंगे, कहीं आपको बुरा बोलेंगे, जो बुरा बोलेंगे उसकी वजह से आपका मूड ख़राब भी होगा, है ना। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो इग्नोर करने की, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट तो माइंड पे पड़ता ही है उन चीज़ों का, है ना। तो उन चीज़ों की वजह से ना मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, आप लोग कहते हो, कमेंट करते हो 2 दिन का ब्रेक ले लो, 4 दिन का ब्रेक ले लो, तो देखिए ब्रेक नहीं ले सकते हम यूट्यूबर्स। आप लोग जो यूट्यूबर है वो समझ सकते हैं कि हमारा एक रूटीन होता है कि हमें काम करना ही होता है, और हम 4 दिन 6 दिन का, मतलब 2 दिन 3 दिन अलग बात होती है, हम 1 हफ्ते 10 दिन का तो ब्रेक लेने की कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपको रेगुलर काम तो करना ही पड़ता है।
तो देखिए किचन का काम मेरा सेट हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए आ गई थी, और आज ये वाला जो मेरा लिप शेड है ना, मुझे सफाई करते हुए मिला, काफी टाइम से मिला नहीं था। और आप कमेंट करते थे मैरून कलर का अच्छा लगता है काफी ज्यादा, मुझे भी पसंद आता है सही है ना। और यही आज मैंने येलो कलर का टी शर्ट पहना था, फिर इसी का ये दूसरा वेरियंट मैंने पहन लिया ब्लू कलर, सेम टी शर्ट है ये देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस पे डिजाइन, प्लेन टी शर्ट है मेरा, बट मुझे अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा ना, अब आप ना, कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ना हाँ आप थंबनेल टाइटल क्यों नहीं बना रहे हो, कोई कहता है कि किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने बहुत अच्छा किया थंबनेल टाइटल आप नहीं बना रहे हो, तो आपकी वीडियो में सस्पेंस रहेगा, क्योंकि आप देखो कंटेंट तो मेरा वही है जो पहले था, वो ही आज मैं डाल रही हूँ, कुछ भी अलग नहीं है मेरा है ना। तो देखिए कि ना वीडियो लोग पूरा वॉच करेंगे, मतलब जैसे वीडियो होता है ना उसको स्कीप कम करेंगे, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ेगा अपने वीडियो में बोला क्या है, वरना पहले तो टाइटल में लिख देते थे तो वो वहां पे ऑडियंस अपने आप स्कीप कर करके पहुंच जाती थी वहां तक है ना। तो देखिए मेरा टाइटल थंबनेल अभी ना बनाने का डिसीजन ये है कि देखिए मैंने अभी एक और लाइफ में कुछ चीजें अपनी ऐड करी है कि मुझे वो चीज करनी है ना, और वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपना शरीर इतना खराब कर चुकी हूँ ना इस टाइम, स्ट्रेस इतना हो जाता था, और थंबनेल टाइटल का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था बनाने का, बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैंने वो चीज छोड़ ही दी है ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो ऑडियंस मेरे से दिल से जुड़ी हुई है, जो मुझसे सच में प्यार करती है, जो मेरे को कहती नहीं सपोर्टर है आपके, सपोर्ट करते हैं, मैं बस उनके लिए है कि ना हाँ चलो वो तो देखो जो सपोर्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। कई लोग मुझे कमेंट भी करे करते थे कि अरे आप ना थंबनेल टाइटल कैची मत बनाया करो, हम आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं भी लिखोगे ना थंबनेल टाइटल कैची, हम तब भी आपकी वीडियो वॉच करेंगे। तो बस मैं आज के टाइम में बस वो ही ऑडियंस चाहती हूँ, जो जिनको मैं किसी को खींच के नहीं लाना चाहती अपने चैनल पे, आप समझ रहे हो, खींच के इन द सेंस थोड़ा कैची थंबनेल बना ली, या देखो वीडियो तो मेरी कल जैसी थी वही आज है, कुछ भी फर्क नहीं है ना, सेम मेरी लाइफ में पहले भी दिखा रही थी आज भी दिखा रही हूँ। हाँ मान लेते हैं कि आपने थंबनेल कैची डाला तो आपके 2-4 हजार व्यूज फालतू आ जाते हैं, बट वो 2-4 हजार व्यूज का क्या बेनिफिट है मुझे, मैं आज सोचती हूँ कि देखो अगर मान लो मेरे को कम लोग भी देखें है ना, लेकिन वो है ना वो ऑडियंस है जो मतलब सच में हर एक वीडियो मतलब रेगुलर व्यूवर्स होते हैं है ना। मैं आज के टाइम में वो चाहती हूँ कि हाँ मैं अपने कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, और टाइटल थंबनेल पे थोड़ा मैं दिमाग में, क्योंकि टेंशन बहुत हो जाती है टाइटल थंबनेल बनाने की, सोचने की उनको अलग से बनाना ये करना, और उसके बाद फिर कैची नहीं बनाना चाहती मैं, इवन मैं थंबनेल बनाना ही नहीं चाहती फिलहाल के लिए। वो जो टाइम मेरा बचेगा ना थंबनेल टाइटल को बनाने में, मुझे लग जाता था काफी टाइम उनको सोचने में क्या बनाना है, फिर वीडियो थंबनेल टाइटल ओरिएंटेड बन जाती थी, बट अब मेरी वीडियो थंबनेल टाइटल ओरिएंटेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, जो लाइफ चल रही है वैसी नॉर्मल स्मूथ दिखा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कम से कम मेरा टाइम भी बचेगा उस चीज में, तो वो टाइम में एक वीडियो फालतू डाल दिया करूंगी है ना। अगर टाइम वहां बचेगा तो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज में, कुछ ना कुछ करेंगे, मेहनत कर रही हूँ टाइम। पहले अगर मैं 100% करती थी तो अभी 101% कर रही हूँ अपनी तरफ से। हाँ लेकिन थंबनेल टाइटल अभी नहीं बनाऊंगी अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड चाहिए थोड़ा सा, वीडियो सेम है कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ये एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ी देर में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।